माह रबीउल अव्वल के मौके पर उमराह करने का सुनहरा मौका। सितंबर और अक्टूबर के महीने में होगी काफिलों की रवानगी। तफसीलात के लिए रब्त करें मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल कादर। आइए 30 सितंबर की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। मस्जिद अल हरम में ज़ायरीन के लिए हुकूमत सऊदी के इंतजाम। अब सऊदी हुकाम ने हुजाज और ज़ायरीन की मदद के लिए रोबोट्स कराए मुतारिफ। आब जमज़म की बोतलें तकसीम करना और मुख्तलिफ मकामात की सफाई में मदद करना उनका मकसद। कई जबानों में ज़ायरीन को रसूमात अदा करने में भी करते हैं मदद। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन ने 2014 के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर तबाही के हथियारों का मुकाबला करने की हिकमत अमली के दस्तावेजात किए जारी। दस्तावेजात में ईरान और शुमाली कोरिया को करार दिया गया मुस्तकिल ख़तरा, जबकि चीन को बढ़ता हुआ ख़तरा और रूस को शदीद ख़तरा करार दिया। पाकिस्तान में 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फूटने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज की तहकीकात के लिए तश्कील तहकीकाती टीमों ने साबिक पीएम और दीगर अहम रहनुमाओं समेत 900 से ज़्यादा अफराद को करार दिया गया मरकजी मुलजिम। उन तमाम पर चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में करा दिया जमा। भारत में अमेरिकी मिशन ने एक साल के दौरान 10 लाख से ज़ायद वीज़ा इजराई के निशाने की न सिर्फ तकमील की बल्कि टारगेट से कहीं ज़्यादा वीज़े किए जारी। एक साल में 10 लाख अफराद को वीज़े की इजराई से अमेरिकी मिशन को 1280 करोड़ रुपयों की वीज़ा फीस से आमदनी हुई हासिल। मुंबई में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस मुहम्मदी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक जलसे से राष्ट्रीय लोकदल के कौमी सदर चौधरी जयंत सिंह का खिताब। कहा, पैगंबर इस्लाम ने सारी दुनिया को भाईचारगी का दिया पैगाम। गणेश उत्सव के पेश नज़र जुलूस को मुलतवी करने का फ़ैसला काबिल सताइश। एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल उर्दू सेंटर में 40 Under 40 के तहत उर्दू के नौजवान सहाफ़ियों को एजाज से नवाजा गया। उर्दू सहाफ़ियों का ज्वेरी के तहत इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर BBN चैनल के प्रोग्राम प्रोड्यूसर और एंकर शेख खलील फरहाद को भी एजाज से किया गया सरफराज। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन करीब, कांग्रेस में टिकटों की तकसीम के मसले पर अब खुद मैदान में उतरे राहुल गांधी। कौमी कायदीन KC वेणुगोपाल और रेवंत रेड्डी व दीगर कायदीन से की बातचीत। कामयाबी के रोशन इम्कान पर उम्मीदवारों को तरजीह देने का दिया मशवरा। तेलंगाना के ज़िले वनपर्ती के कताकुट्टा में ऑयल पाम फैक्ट्री का मिनिस्टर KTR ने रखा संग बुनियाद। तकरीब से किया खिताब, कहा KTR ने ही किसानों को ज़राअत करने के लिए रकमात फराहम की। साथ ही दावा किया KTR के दौरे हुकुमरानी में किसानों के लिए आए अच्छे दिन। शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन इख्तिताम। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने नेकलेस रोड पर मूर्तियों के विसर्जन के अमले का किया मुआयना। कहा, शहर में गणेश जुलूस जिसका आगाज़ जुमेरात की सुबह हुआ था जो जुमा की शाम 6 बजे इख्तिताम हुआ। कुल 50,000 से ज़्यादा मूर्तियों का किया गया विसर्जन। तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी पर टिकट फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाने वाले कांग्रेस के मुअत्तल लीडर मनोहर रेड्डी ने अपने लगाए गए इल्ज़ाम का किया दिफा। रेवंत रेड्डी को किया चैलेंज, कहा अगर महेश्वरम के उम्मीदवार से रकूम और ज़मीन नहीं ली तो मंदिर में खस्म खाकर अपने आप को बेकसूर करे साबित। ये थी टॉप 10 न्यूज़ में 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। माह रबीउल अव्वल के मौके पर उमराह करने का सुनहरा मौका। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से सितंबर और अक्टूबर के महीने में होगी काफिलों की रवानगी। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकरमा में 300 मीटर और मदीने शरीफ में 100 मीटर की दूरी पर स्टार होटल में ख्याम। 3 वक्त हैदराबाद का खाना और लॉन्ड्री की भी सहूलत। मुअल्लिम की रहनुमाई में उमरा की सआदत और तमाम मुकद्दस मकामात की ज़्यारतें। माह रबीउल अव्वल के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में क़याम का सुनहरा मौका। बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स, काकाजी टावर्स, तैबा मार्केट नियर ओल्ड चार मीनार, बस डिपो,
हैदराबाद।